हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते आद आप सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टेस्टबुक डॉट कॉम एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस छः बजे वाले सेशन में करंट अफेयर्स को दो कदम और आगे लेकर के जाने के लिए हम सब एक हम सब लोग एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गए सुबह छः बजे एक, हम लोग यहाँ पर उठते क्यों हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे कि आपका दिन बड़ा होता है दूसरा सुबेरे उठने से जो खराब विचार है आपके जो दिमाग में आते हैं वो आना बंद हो जाते हैं तीसरा आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है जो इस बार एम के एग्जाम देने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे गए जो ये बोलते थे जी ए बहुत कमजोर है उन्होंने जी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया ना केवल कि करंट अफेयर्स में बल्कि स्टैटिक स्टेटिक वो भी क्वेश्चन उनके बन गए जो यहां पर हम डिस्कस करते हैं तो एक बार फिर से इस सेशन को और दो कदम आगे लेके जाने के लिए हम आपके साथ यहां पर इकट्ठा है सबसे पहले तो हम यहां पर बात करते हैं हमारे इस करंट अफेयर्स में तीन सबसे बेहतरीन सलाह सोचो मत कि यार हम कल करेंगे कल करेंगे बस शुरू कर दो वादा मत करो साबित करो बताओ मत करके दिखाओ बताना नहीं है कि भाई हम इतना पढ़ते हैं ये करने वाले वो करने वाले करके दिखाओ ये तीन बेहतरीन सलाह जो तो तुमको जो है लोगों से आगे करेंगी सुमड़ी में गुंबड़ी बनाएंगी आगे बढ़ने से पहले आज है हमारा फ्रांस का वेस्टाइल डे चौदह हमारा जो आप बोल सकते हैं कि जुलाई को फ्रेंच नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है अगर हम यहां पर बात करते हो तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग और आज चल रहा है डिस्काउंट दोस्तों सुपर कोचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी पसंद के किसी भी हमारे इंडिया के बेस्ट कोचिंग के वीडियो से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ देखते हो पैरामाउंट के हमारे रिचा मैम जो हमारी परचम क्लासेस की हैं सोनी विजय इतने सारे हमारे बेस्ट फैकल्टीज के वीडियोज आप यहां पर जाकर के देख सकते हो और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बड़ी कम कीमत पर हम यहां पर आपके आ, बोल सकते हैं हम आपके साथ लाइव तो जुड़ते ही हैं बल्कि इनके वीडियोस जो कि बेस्ट फैकल्टीज हैं उनके यहां पर तीन हजार से ज्यादा वीडियोस और हमारे मॉक टेस्ट यहां पर लगभग तीन हजार से ज्यादा मॉक टेस्ट और वीडियोस आपको यहां पर पड़े और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज चल रहा है आपका ऑफर मतलब देखिए अगर आपका ग्रुप डी के एग्जाम की बात करूं तो एक महीने बाकी है और आप यहां पर मॉक टेस्ट लगा रहे हो लेकिन मॉक टेस्ट लगाते समय मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मान लीजिए मैथ का वो टॉपिक है अगर आप यहां पर इसको एनरोल करते हो तो आपने मैथ का वो टॉपिक का वीडियो पढ़ा, है, आप गए आपको बेस्ट फैकल्टी हिंदुस्तान का बेस्ट फैकल्टी वहां पर गए उसका वीडियो देखा फिर मॉक टेस्ट लगाया तो दस से ज्यादा कोर्सेज ये दस ज्यादा वीडियो नहीं है दस से ज्यादा अलग अलग कोचिंग के कोर्सेज चौबीस से ज्यादा मॉक टेस्ट और आपके ग्रुप डी की तैयारी को एक अलग लेवल पर लेके जाने के लिए पचहत्तर नहीं सिर्फ पैतालीस रुपए प्रति महीने से आप यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन ये एक महीने का नहीं तीन महीने छह महीने और बारह महीने के लिए आपके लिए अप्लीकेबल है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं आप इस सुपर कोचिंग में एनरोल करो और अपने यहां पर मॉक टेस्ट तो देंगे ही लेकिन अपने कमजोर पॉइंट के वीडियोस देख करके उसको मजबूत भी बना सकते हैं तो सुपर कोचिंग की सुपर सेल है ऑन ये सिर्फ आज के लिए पैतालीस रुपए में और एसएससी वालों के लिए भी यहां पर हमारे सुपर कोचिंग का जो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है कूपन कोड इस्तेमाल करना है मेरा एक बार नाम याद करेंगे पंकज मेरा नाम है चौबे मेरा सरनेम है तो पंकज लिखना है और सी लिखना है आपको यहां पर और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा समझ रहे हो कि नहीं तो अपने मोकटस दो 2400 से ज्यादा रेलवे के मॉक टेस्ट और फिर उसके कमजोर पॉइंट का वीडियो देखो यह है हमारी सुपर कोचिंग का मोटो तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ाई करके इस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेके आज जो विशेष ऑफर है है ना कूपन कोड लगाने के बाद तो इसका जो फायदा उठाइए जल्दी से चलिए आगे बात करते हैं इसकी पीडीएफ आपको आज की क्लास की मिलेगी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर बेटा आज दस हजार सब्सक्राइबर होने वाले अगर आप नहीं अभी तक जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए जीके जीएस विद जी एस विदेश बुक ये आपको सर्च करना है और जुड़ जाना है लेकिन क्लास के अंत में आपको लिंक भी देने वाला हूं चलिए दोस्तों तो रिविजन किया जाए कितने लोग तैयार है रिविजन करने के लिए कितने लोग हैं तैयार सावन के पहले महीने की सभी को शुभकामनाएं सावन का आज पहला दिन है और आज जो है वो झमाझम बारिश हो रही है बंबई में और यहाँ पर आज बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और फिर चलते हैं कल जो हमने पढ़ा था उसके रिवीजन की तरफ सारे को यहां पर कोई भी ऑप्शन वन टू दे देगा गलत स्पेलिंग लिखो लेकिन स्पेलिंग लिख करके यहाँ पर देना है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हमारे यहाँ पर पहला जो है वो अर्बन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा बन रहा है जो कि हमारा पूर्वांचल है लखनऊ है दिल्ली मेरठ है या द्वारका है ये हमारे अर्बन मतलब शहर के अंदर ही है ये बोलिए सर दिल्ली में देखेंगे तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे ये हमारा सही जवाब हो जाएगा तो नॉर्दर्न पेरीफरल जो हाईवे यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो नॉर्दर्न पेरीफरल हाईवे के ऊपर टिक करना है नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है द्वारका में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति जिनका निधन हुआ है यहाँ पर हमारे लेनको हैं, सेंटोस है लुआस लारा है या नेटो है तो कल गाइस थोड़ा सा मिसकंसेप्ट हुआ था जो मैंने अपने टेलीग्राम पे बताया था कि पहले सबसे पहले राष्ट्रपति थे नेटो और उनके बाद बने थे सेंटोस 1979 से लेकर के उन 2017 तक राष्ट्रपति जिनका निधन हुआ है वो सेंटोस है देखो ना ये गलत आपका टिक होकर आएगा ये सही है अगला क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से कौन सी हमारी दादी हैं जिन्होंने चौरानवे साल की उम्र में यह साबित कर दिया एज इज नंबर यहां पर 100 मीटर में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक पुट में पुट एक गोला होता है जिसको फेंकना पड़ता है नाम क्या था यहाँ पर तो यहाँ पर जनता बोले सर जसादा हमारे पेंगे मारजो जाटी है भवानी देवी डांगर है तो मैं तो भाई भवानी जी के ऊपर टिक करूंगा जिस तरीके से इन्होंने तहलका मचाया तो भवानी देवी डांगर जितने लोग बोले उनका जवाब बिल्कुल सही है तो भवानी देवी डांगर ये कल हम लोगों ने इनके बारे में बात भी की थी इंटरनेट के जनक जिनका कल निधन हुआ है उनका नाम क्या है इंटरनेट हमको देने वाले हमारे लिए जो है हिंदुस्तान में इंटरनेट लेकर के आने वाले जिनका निधन हुआ है तो दोस्तों हम बोलेंगे विदेश संचार निगम लिमिटेड के हमारे अध्यक्ष जब इंटरनेट को इसने लॉन्च किया।, किया गया था इनका नाम है हमारे ब्रजेंद्र कुमार सहगल तो जितने ब्रजेंद्र सहगल बोले उनका जवाब सही है गोवा सिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कल हमारे नियुक्त किए गए थे कल हमने पढ़ा था हमारे जो गोवा सिपयार्ड के हमारे प्रबंध निदेशक है कौन बनाया गया सतीश जी नरेंद्र जी ब्रजेश कुमार हमारे उपाध्याय जी पर ब्रजेश, तो तो ब्रजेश, ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी, उपाध्या जी अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रसार भारती का नया लोगो किसने लॉन्च किया है प्रसार भारती का नया लोगो हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या हमारे आईबी के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा जी हैं तो सारे बच्चे यहां पर बोल कल सर आईटी और आईबी के बीच में अपूर्व चंद्रा जितने लोग हैं उनका जवाब अपूर्व है ना तो अभूतपूर्व है कौन सा पहला रेलवे तो स्टेशन बनाया जहां पर हम लोग एगमेंटेड रियलिटी

अंडर 20 एशियन जो रेसलिंग टूर्नामेंट है वो कितने हमारे पदक जीते है तो बेटा पांचवें नंबर पे ओवरऑल इसकी हमारी जो पोजीशन है वो पांचवें नंबर पे और हिंदुस्तान ने टोटल जो है वो कितने पदक जीते जिनते लोग बोले सर 22 होना चाहिए बिल्कुल सही जवाब है 22 पदक यहाँ पर जीते नौ सिल्वर नौ ब्रांज और चार गोल्ड टोटल हो गए बाईस ठीक है ना चार गोल्ड नौ सिल्वर नौ ब्रांज टोटल हो गए बाईस पदक जीत करके यहाँ पर हिंदुस्तान ने इतिहास रचा है ठीक है ना इसके पहले जो हमारा एशियन रसलिंग टूर्नामेंट हुआ था

अर्जुन बबूता यहां पर अर्जुन बबूता जितने लोग बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही जवाब है ठीक है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहां पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक छवि भेजी जिसको कल मैंने आपको दिखाया भी था और ये अभी तक की सबसे स्पष्ट छवि है ये किसने बनाया है जेम्स वेब हमारा जो है ने, जैक्सा ने नासा ने या हमारा रॉस मॉस ने तो पर जनता बोलती है जेम्स वेब्स जो टेलीस्कोप है एक शानदार टेलीस्कोप है जिसने हमारे पूरे ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन रंगीन तस्वीर खींची है और ये हमारे नासा में है तो जितने लोग यहाँ पर नासा बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है कल मैं नासा के ऊपर भी बात की थी अगला क्वेश्चन है आई टू यू में भाग लेने के लिए हमारे मोदी जी ने वर्चुअली मोबाइल से कनेक्ट हुए ये कैसी सबमिट है कौन से नंबर की समिट है पहली है दूसरी है तीसरी है चौथी है कौन से नंबर की समिट है जनता प्लीज जवाब देगी तो अभी हमने देखा कि क्वाड की जो हमारे लीडर समिट है ये टोक्यो में हुई थी कहां पर बेटा टोकियो में हुई थी याद रखिएगा और हमारे आई टू यू टू जिसको हम लोग क्वाड वेस्ट समिट बोलते हैं इसको हम लोग क्वाड वेस्ट सबमिट के नाम से जानते हैं ये पहला बार आयोजन किया जा रहा है

कि हमारे अर्जुन <coughs> बबूता ने कल पहला गोल्ड जीता था अर्जुन बबूता ने पहला गोल्ड जीता था तो पहली हेडलाइन जो है यहां पर आपको उसी से संबंधित है हमारे यहां पर कौन यहां पर आपको देख रहा होगा मेहाली घोष और हमारे तुषार माने ने है ना साहू तुषार माने ने दूसरा गोल्ड जीता है तो ये दोनों की मिक्स जोड़ी ने किसकी हमारे मेनाली घोष और तुषार माने ने साउथ कोरिया में चल रहे वर्ल्ड कप में दूसरा गोल्ड जीता उसके बाद से ब्राजीलियन नेवी जो है वो वेस्टर्न नेवल कमांड पर हिंदुस्तान में आई हिंदुस्तान में किस हमारे ब्राजील की नेवी जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए आई है लेकिन यहां पर हो रही है जबरदस्त बारिश जेनेलेटो जो है वो हमारे ब्राजीलियन नेवी के प्रमुख हैं जो कि यहाँ पर यहां पर 11 जुलाई को पश्चिमी नेवी कमांड पर आए हुए हैं हिंदुस्तान में पर देख लेते हॉर्टिकल्चर की जो मिनिस्टर की हमारी मीटिंग है यह हमारे बंगलुरु में आयोजित हो रही है बागवानी जो हमारे मिनिस्टर्स है, बागवानी मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है कॉन्फ्रेंस है यह बंगलुरु में आयोजित की जा रही है अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जिसने नेशनल हमारी एजुकेशन पॉलिसी को प्राइमरी लेवल पर लागू कर दिया है यह हो जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्राइमरी लेवल पर कर दिया है लागू तो इसको भी हमको याद रखना है इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे हमारे देश के चौहत्तरवे ग्रांड मास्टर आप लोगों को मैंने बताया था चौहत्तरवे ग्रांड मास्टर यहां पर नाम क्या है हमारे डी गुकेश ने कौन सा चेस का यहां पर एक टूर्नामेंट जीता है जिसका नाम है गिजोन शतरंज मास्टर गिजोन सतरंज मास्टर जो स्पेन में चल रहा था इस पर अपनी दावेदारी ठोक करके बता दिया है कि हम में भी है दम तो ये चौहत्तरवे ग्रैंड मास्टर बने थे और यहां पर इन्होंने गिजोन सतरंज मास्टर का टूर्नामेंट भी जीत लिया यहां पर डीजीसीआई ने हमारे एक वैक्सीन को डेवलप किया है एक वैक्सीन को डेवलप किया है जिसका नाम क्या है ह्यूमन कि सर्वाइवल कैंसर के लिए बनाया गया है इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे अभी तक का यह पहला स्वदेशी हमारा वैक्सीन है जो कि यहां पर डेवलप किया गया है आगे चलते अगला क्वेश्चन आपके सामने झारखंड जो है यह हमारे रुबरन मिशन में नंबर एक की पोजिशन पर है कौन बेटा झारखंड राज्य जो है ये पहली रैंक पर है किस पे रुबनन मिशन डेल्टा रैंकिंग पर नंबर एक पर है बात करेंगे पूरी डिटेल में बने रहिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने मोहम्मद सामी ने अजीत अगरकर के सत्तानवे मैचों में डेढ़ सौ विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इन्होंने 80 मैचों में डेढ़ सौ विकेट लेकर के पहले सबसे तेज भारतीय बने हैं जिन्होंने डेढ़ सौ विकेट लिया है नहीं कौन मोहम्मद सामी अगला क्वेश्चन देखेंगे चाइना ने यहाँ पर एक नया सोलर ऑब्जर्वेटरी प्रयोगशाला को खोला है मतलब शौर्य हमारे निष्कर्ष के लिए एक प्रयोगशाला को खेला है चाइना ने डिटेल में इसके ऊपर ही बात करेंगे

तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रमुख हेडलाइंस लेकिन करंट अफेयर्स का भंडार जो है ये बहुत बड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है शायद आप लोग ना उसको न्यूज पेपर में पढ़ पाते हैं और ना ही जो है वो आप किसी बोल सकते हैं कि न्यूज चैनल में देख पाते हैं तो सारी चीजों के भंडार को यहां पर लेकर के आया हूँ जरूर देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से यहां पर आपको बताना है जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड सिल्वर स्टार किस दिया है कुशल जैन है रवि परमार है नारायणन कुमार है या प्रमोद तोमर है यहाँ पे जल्दी जनता को जवाब देना है सारे बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं कि सर सही उत्तर होना चाहिए <laughs> राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित जापान ने जिसको किया है उनका नाम है नारायण कुमार नारायणन कुमार के ऊपर हमको टिक करना है और नंबर लेके जाना है तो नारायणन कुमार यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराए भी क्यों ना क्योंकि भैया अवार्ड मिला हुआ है ठीक है ना तो यहाँ पर फॉर्मर डी आई ए डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल हमारे कौन रॉबर्ट हमारे एसले जूनियर को भी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन स्टार दिया गया है ठीक है इनको भी आप बधाई दे सकते हैं चलिए तो इनके ऊपर हम लोग बात कर देते हैं तो चेन्नई स्थित सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार जी को ऑर्डर ऑफ और राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया नाम याद कर लेते हैं नारायणन कुमार इनको यह अवार्ड दिया किसने दिया जापान ने दिया जापान और भारत के बीच में जो फिनेंशियल और इकोनॉमिकल रिश्ते हैं उसको मजबूत करने के लिए यह हमारा पुरस्कार दिया गया है नारायणन कुमार को इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष के तौर पर भी काम करते हैं ये नारायण कुमार ये तो इस अवार्ड से सम्मानित किया ही गया है ये हमारे कैस के ये हमारे जो है सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन तो है ही साथ ही साथ इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के तौर पर भी काम करते हैं याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण आते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ और अवार्ड दिए गए हैं जो थोड़ा सा छोटे लिखे हुए हैं लेकिन मैं देख लेता हूँ आपको बता देता है तो आप यहाँ पर जवाब देंगे सर उड़ीसा जो है इसको एमएसएमई अवार्ड स्टेट का दिया गया है दोस्तों यहाँ पर बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड बी टी एस बैंड को दिया गया साउथ कोरिया के यहाँ पर अगर देखेंगे हमारी बेस्ट नर्सिंग के लिए हमारे ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया गया है काम्बले दुबा को जो कि हमारे केन्या की है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है वेंकट एल चलपति जी को कनाटा के एबल याल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है याल पुरस्कार कनाडा देता है वेंकट चलपति जी को दिया है अब यहां पर संगीत एकेडमी अवार्ड देख लेते हैं यहां पर नवेली एंड संथ गोपालन जी को 2020 के लिए क्या दिया गया है हमारा शांति एकेडमी पुरस्कार दिया गया है संगीत एकेडमी पुरस्कार वत्सवल्लम को 2021 के लिए दिया गया है हमारा संगीत एकेडमी और हमारे कृष्णन को और विजय लक्ष्मी को 2022 के लिए संगीत एकेडमी दिया गया है और ये अवार्ड दिया है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन बिल्कुल हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट नाम है हमारे कौन वेंकैया नायडू जी ने ये अवार्ड दिया है तो ये सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है थोड़ा सा छोटा लिखा है लेकिन आ, हमने आपको पढ़ के बता दिया है अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रधानमंत्री ने 2016 में किसानों की जो फसलें खराब हो जाती थी मौसम की वजह से या किसी और कारण की वजह से एक स्कीम की शुरुआत की फसल बीमा योजना जिसमें उनको बीमा हो जाएगी फसल की और उनका जो है वो पैसा वापस मिल जाएगा इसमें शामिल होने का फैसला फिर से एक बार किसने किया है उड़ीसा है गोवा है राजस्थान है या आंध्र प्रदेश है <laughs> तो दोस्तों सबसे पहले तो ये प्रश्न हमारा पूछा गया कि इसको नरेंद्र मोदी जी ने कब लागू किया था तो 2016 में फसल बीमा योजना आई थी कब आई थी 2016 में और इसमें फिर से शामिल हुआ है हमारे देश का सबसे पहला राज्य सबसे पहला राज्य हमारे देश का कौन सा है तो दोस्तों हमारे देश का सबसे पहला राज्य है उन्नीस में बना आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश को यहां पर शामिल किया गया है तो जितने लोग आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं उनका जवाब यहां पर सही है तो आंध्र प्रदेश बिकम द बिकम स्टेट एज एक्वायर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको 13 जनवरी 2016 को इस फसल बीमा योजना का अनावरण किया था यह योजना उन किसानों के लिए प्रियम के बोझ को कम कर देगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम हो जाने के बाद बर्बाद हो जाते हैं खराब मौसम हो गया या कोई मवेशी खा गया तो उनकी पूरी की पूरी जो है वो फसल बर्बाद लोन जो लिया था उन्होंने वो उसका कर्ज और चढ़ जाता है और फिर वो आत्महत्या करते हैं तो ये फसल बीमा योजना तेरह हमारे जनवरी को लागू की गई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पार्टिसिपेट करने का फैसला लिया आंध्र प्रदेश ने इस साल जो खरीफ की फसल है उसमें जितने भी हमारे 40 लाख से अधिक किसान हैं आंध्र प्रदेश के सबका बीमा कवर देगी है ना आंध्र प्रदेश ने उच्च प्रीमियम कीमत का हवाला देते हुए 2020 में ये हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा से बाहर हो गए थे 2020 में बाहर हो गए लेकिन बोलते ना शाम सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते इसी तरीके से ये वापस आ चुके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन आंध्र प्रदेश और दसवां सबसे अधिक आबादी वाला ये हमारा राज्य है याद रखिएगा यहाँ के राज्यपाल हरिचंद्रन विश्वभूषण है अमरावती यहाँ की कैपिटल है जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम साहब है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी कब हुई थी 1956 में तो दोस्तों याद रखिएगा ये हमारी जो फसल योजना है ये कब आई थी ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा तेरह जनवरी दो को ये योजना आई थी अब दोस्तों हमारे यहाँ पे फसलें जो है बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं खरीफ की फसल बेटा ये अभी बोई जाएगी जुलाई में बोई जाएगी और आप ये मान लीजिए नवंबर में काटा जाएगा तो जुलाई से नवंबर तक जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं जैसे कि धान हो गया मक्का हो गया बाजरा हो गया ज्वार हो गई ये खरीफ की फसल है अरे किसकी फसल है खरीफ की फसल है अब राबी की फसल जो हमारी कब बोई जाएगी नवंबर में बोई जाएगी अप्रैल में काटी जाएगी बाबू इसको क्या बोलते हैं गेहूं हो गया हमारा जौ हो गया मटर हो गया या चना हो गया ये सब हमारे रबी की फसल है और इनके बीच में जो फसल बोई जाती है अरे भैया यहां पर हमारे अप्रैल से लेकर के मई और जून के बीच में जो फसल बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं जायद 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 की की फसल फसल में में क्या आता है बेटा तो मूंगफली आ जाता है जायद की फसल में ककड़ी खीरा ककड़ी आ जाता है खीरा आ जाता है हमारा जो है तरबूज आ जाता है ये सब जो है हमारे जायद की फसल में आ जाते हैं ठीक है ना भाई साहब याद रखिएगा एग्जाम में ठोका जाता है एग्जाम में ठोका जाता है है कर लोगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला बनाते। अगला प्रश्न प्रश्न बनाते आपको बताना इनमें से कौन सा क्रिकेटर ने 150 विकेट अस्सी मैच में 150 विकेट लेकर के रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों क्या होना चाहिए <coughs> आपस में बातें नहीं तो यहाँ पर जनता बोले इसका सही जवाब होना चाहिए मोहम्मद सामी की तरफ जितने वाले गलत है ना यहां इन्होंने आते ही तहलका मचा दिया सबसे पहले तो इन्होंने 80 गेम्स में जो है वो 150 विकेट लिए अजीत अगरकर ने 97 में लिया था और जहीर खान ने 103 मैचों में लिया था तो यहां पर ये यह रिकॉर्ड मोहम्मद सामी के नाम है ओडीआई में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए गे। 12 जुलाई को भाई साहब इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 31 रन देकर तीन विकेट लिए और इन्होंने अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 97 मैच में यह रिकॉर्ड को हासिल किया था ठीक है तो यह भी हमको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर कुछ क्रिकेट की और न्यूज है जो आपको बता देते हैं ऋषभ पंत को फरवरी दो में बाईस ईएसपीएन क्रिक ईसपीएन की सर्वश्रेष्ठ पारी का अवार्ड दिया गया एट्टी रन जो उन्होंने मनाया था दो में इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जेमिसन को पांच विकेट लेने के लिए न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने के लिए जो है इंडिया के खिलाफ ये इनको बेस्ट हमारे क्रिक इन्फो का बॉलर मिला है न्यूजीलैंड के कप्तान को केन विलियमसन को बेस्ट हमारे कैप्टन का अवार्ड दिया है ईएसपीएन ने तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन आपके सामने है श्यामा प्रसाद मुखर्जी में रूबरन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य नंबर एक पर है दोस्तों कौन सा राज्य नंबर एक पर है सुबह सुबह की शुरुआत नींद तो नहीं आ रही किसी को कुछ बच्चों को नींद आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है नींद आ रही है क्या भाई फातिमा बबलू अर्पिता कभी तो यहां पर जनता बोलिए मूंगफली जो है अगर देखा जाए मूंगफली सोयाबीन अगर इनको देखेंगे तो ये जायद की फसलों में कंसीडर की जाती है लेकिन इनको हम रवि की फसलों में भी ले लेते हैं लेकिन कंसीडर इनको मूंगफली को हम यहां पर कर सकते हैं बहुत जगहों पर जायद में उगाई जाती है तो उसमें टेंशन नहीं लेना है तो झारखंड यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है झारखंड जो है ये रुबरन मिशन जो डेल्टा रैंकिंग उस पर नंबर एक पर है ये देखिए, झारखंड को गोल्ड मेडल मिलना है तो झारखंड नंबर एक पर आपको दिखाई दे रहा है छिहत्तर पॉइंट के साथ ठीक है ना और पुंडीचेरी नंबर दो पे है जिससे काफी पीछे फिर आसाम उड़ीसा यहां पर दिख रहे होंगे तो नंबर एक का राज्य हमारा कौन सा है ये हमारा है झारखंड तो झारखंड के ऊपर टिक करना है नंबर लेके आगे बढ़ जाना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर यह स्कीम को शुरू किया गया जिसको हम लोग जनसंघ के संस्थापक के तौर पर जानते हैं जो पहले हमारे बीजेपी में अब बीजेपी के नाम से जानी जाती है तो जनसंघ के संस्थापक हैं जो बीजेपी के नाम से जानी जाती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके नाम पर एक हमारा डेल्टा रैंकिंग दी जाती है जिसको हम लोग रुबरन मिशन बोलते हैं रुबरन मिशन मतलब हमारे गांव को और हमारे शहरों में जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है जो राज्य आर्थिक विकास का मतलब है जो इकोनॉमिकल सेक्टर में आगे लेकर के जाता है उसके आधार पर यह हमारा अवार्ड दिया जाता है इस अवार्ड की शुरुआत 2016 में की गई थी इस मिशन की और उसके बाद से ये हमारे देखा जाता है तो इस राज्य में अगर देखेंगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ हो रहा है यहां के लोगों में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है ऐसा ये देखा हमारे नीति आयोग ने और यहां पर झारखंड को सबसे ज्यादा नंबर दिए तो यह हमारे लिए हो जाता है महत्वपूर्ण ठीक है तो झारखंड को सबसे ज्यादा नंबर दिए और यहां पर कितने नंबर दिए छिहत्तर इनका कंपोजिट स्कोर है याद रखेगा अब यहाँ पे कुछ और अवार्ड और रैंकिंग है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सबसे अच्छा शहर है ऑकलैंड को पीछे छोड़ करके नंबर एक का बन गया है दिल्ली जो है हमारे और मुंबई एक सौ नंबर पे है यहां पर आप टिक कर सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है यहां पर हमारे आ, डी ने एक वैक्सीन को मंजूरी दी है जो कौन से कैंसर के लिए काम करता है एच वैक्सीन है ये ब्लड हमारे ब्लैडर कैंसर यह हमारे ब्रेस्ट कैंसर किडनी कैंसर सर्वाइकल कैंसर किसके लिए काम करता है जो हमारे ह्यूमन में ह्यूमन ह्यूमनो वायरस वैक्सीन के रूप में जाना जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो दोस्तों तो तो हमारे यहां पर वैक्सीन जो है यह बड़ी इंपॉर्टेंट एक शब्द बन गया पिछले कई सालों में वैक्सीन 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 ये डोज लगवाओ वो डोज लगवाओ बूस्टर डोज लगवाओ तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा ये सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर जितने लोग तो बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है द वैक्सीन जो है सेफ है और ये सर्वाइकल कैंसर से हमारे प्रोटेक्ट करेगी सर्व कैंसर के खिलाफ जो है ये प्रोटेक्ट करेगी सर्वाइकल जो हमारी कैंसर होता है ये हमारे उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा तो ये हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बोल सकते हैं कि द्वारा बनाया जाने वाला वैक्सीन है जिसके आधार पूना वाला आधार पूना वाला जो है इसके हमारे क्या है हमारे डायरेक्टर है तो ये India, ने 12 जुलाई को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी वैक्सीन ह्यूमन पेपिनो वायरस के रूप में इसको मंजूरी दी है यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाएगी जो आप कहां पर पुणे में इसको देखेंगे पुणे का ये जो इंस्टीट्यूट है इस वैक्सीन को बना रहा है ये भारत में उच्च मृत्यु अनुपात 15 से 40 की आयु की महिलाओं को दिया जाएगा सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है तो यहां पर ध्यान देंगे दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद तो ये ये वैक्सीन जो है यहां पर उनको बचाते हुए दिखाई दे रही है भारत के जो हमारे डी जी सी आई है ये इसने सभी इस मापदंडों पर देखते हुए ये यहां पर वैक्सीन को लोगों के ट्रायल के बाद यहां पर क्या दिया है इसको देने के लिए लाइसेंस दे दिया है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गिजोन चेस मास्टर्स जो स्पेन में हुआ है इसको किसने जीता हमारे कार्लसन ने जीता डी गुकेस ने जीता है फिरोजा ने जीता है या डिंग लेरन ने जीता है दोस्तों क्या होना चाहिए सही जवाब तो अगर हम यहां पर बात करते आठ जुलाई को स्पेन में हमारा गिरोज सतरंज मास्टर जो टूर्नामेंट हुआ इसको हमारे देश के चौहत्तरवें ग्रैंड मास्टर चौहत्तरवे दोस्तों पहले कौन थे पहले थे विश्वनाथन आनंद विश्वनाथन आनंद जो है ये पहले नंबर के थे और चौहत्तरवें ग्रैंड मास्टर ने जीत करके इतिहास रच दिया जिनका नाम है डी गुकेश डी गुकेश जो है यहां पर सही जवाब हो जाएगा तो डी गुकेश के ऊपर हम लोग बात करते हैं इन्होंने खुद ट्वीट करके दिया है शायद आप लोग ये ट्वीट को इनको फॉलो नहीं करते लेकिन मैं देखिए हमारे कंप्यूटर जी और हमने सबको फॉलो किया हुआ है तो डी गुकेश को हमने ट्विटर पर फॉलो किया है अब तुम लोग किसको फॉलो करते हो तुम लोग फॉलो करते हो ये बता रहा था कि सर हम जो है कंगना रणावत को फॉलो करते हैं हम सनी लियोनी को फॉलो करते हैं इनको फॉलो करोगे तो जिंदगी में जो है कुछ सीखोगे तो यह चौहत्तरवे हिंदुस्तान के 74th नंबर के ग्रैंड मास्टर है जिनका नाम है हमारे डी गुकेश यहां पर देख सकते हो और पहले नंबर के कौन थे हमारे विश्वनाथन आनंद थे इन्होंने जो है डी गुकेश ने आठ जुलाई को स्पेन में आयोजित गिरजोन शतरंज मास्टर के हमारे बोल सकते हैं टूर्नामेंट को जीता है नौ राउंड में इनके आठ अंकों के साथ इन्होंने जीत हासिल की है हराया किसको है डुआनी को डुआनी को इन्होंने ड्रॉ uh, खेला लेकिन इनके अंक ज्यादा होने की वजह से इनको विजेता घोषित कर दिया गया है चलिए दोस्तों तो आगे की तो चलते हैं सबसे पहले हमारा जो चेस आप बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड चेस इंस्टीट्यूशन उसका हेडक्वार्टर लुसाने में है लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है डोवर वॉकिच जो इसके जो हमारे क्या प्रेसिडेंट है इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और हमारे देश के सबसे पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथन आनंद थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अगला क्वेश्चन आपको बताना है व्हिच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस इंडियास फर्स्ट इंडिजीनस डेवलप्ड लिथियम आयरन सेल जिसका नाम है NMAC 2170 कौन सी हमारी इनमें से है जिसने हमारे लिथियम आयरन सेल से एक बैटरी का निर्माण किया है जो हमारी कंपनी का नाम है ऑक्साइड है अमारा है टाटा है या ओला इलेक्ट्रॉनिक्स है अच्छा तो यहां पर जनता बोली सर ओला होना चाहिए अच्छा ओला इलेक्ट्रिक्स के ऊपर जितने लोग जा रहे हैं मुझे लग रहा है बिल्कुल सही जवाब है Ola Electrics. बात करते हैं। तो ओला का ट्वीट यहां पर आपके सामने है, जो स्वदेशी सबसे पहली जो लिथियम और आयन सेल की जो बैटरी है इसको ओला ने हमारे अपने यहां पर बना करके पहली हिंदुस्तान की बनी बैटरी यहां पर लॉन्च कर दी है इसका नाम रखा है एन 2170. तो ये हमारे लिए जो भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले हैं उनके लिए एक वरदान साबित होने वाली है तो यहाँ पर बंगलुरु में स्थित दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ओला की बहन दो पहिया आती है अब इन्होंने क्या किया है इन्होंने अपनी खुद की बैटरी बना ली है लिथियम आयन सेल की जो बैटरी है एनएमसी टू इसका इन्होंने अनावरण किया है ओला 2023 तक चेन्नई में स्थित गीगा फैक्ट्री में इस सेल का बड़े उत्पादन में निर्माण करेगी और आप लोगों तक जो हमारे ईवी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं चाहे वो दोपहिया वाहन हो या हमारे चौपहिया वाहन हो वो पहुंचाने के लिए आ जाएगी तो मतलब ओला में जो वाहन बनाने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और ओला का जो पहले टैक्सी और हमारे कैब का बिजनेस था अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है ना याद रखिएगा जो हमारे ओला जो है ये बंगलोर में स्थित कंपनी है जिसको हम अगर देखेंगे तो हमारे भाविस अग्रवाल ने याद रखिएगा इसके जो फाउंडर है उनका नाम याद रखिएगा भाविस अग्रवाल ने 2017 में इसकी स्थापना की थी ये पहले कैब और हमारे कैब के रूप में और टैक्सी के रूप में आया अब इसका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में अब ये हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं फूड की सप्लाई कर रहा है जैसे कि जोमेटो करता है तो ये इनका जो है ये अलग अलग तरीके से ये बिजनेस को अपने बढ़ा रहे हैं अब इन्होंने इलेक्ट्रिक की ये जो हमारी बैटरी बना करके और भी देसी बैटरी बना करके अपना एक और कदम आगे बढ़ा दिया है दोस्तों जब ये ओला आया था तो भैया मैंने जो है बड़ी फ्री राइड की थी शायद तुम लोगों ने उस समय छोटे हो गए काफी दो हज़ार सत्रह में जब ओला आया तो हमने इससे बड़ी फ्री राइड की थी ये बड़े किसी दोस्त को यहाँ पर अपने इंस्टॉल करवाओ तुम्हारे जो है उसमें वॉलेट में सौ रुपये आ जाएगा दो सौ रुपये आ जाएगा और आराम से जो है आप उससे क्या कर सकते हो घूम सकते हो तो इन्होंने पहले आदत लगाया और फिर उसके बाद से अब ओला जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख रहे हो चर्चा में आ गई है ऑटो से लेकर के कैब तक सब कुछ यहाँ पर बुक कर सकते हैं चलिए तो भावेश अग्रवाल की ओला के बाद अब हम लोग बात करते हैं अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना पंजाब है हरियाणा है गोवा है या उत्तराखंड है हमारे यहां पर नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है अगर आप चार साल का जो हमारा ग्रेजुएशन है उसको एक साल में भी स्किप कर दे रहे एक साल के बाद नहीं कर रहे हो तो भी आपको डिग्री मिल जाएगी तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ये कुछ एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ पर जितने लोग बोले सर उत्तराखंड पहला राज्य बना है मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर इस एजुकेशन पॉलिसी को प्राइमरी लेवल पर लागू करने के लिए यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया कि भैया कल से जो है ये प्राइमरी लेवल पर यह लागू किया जाएगा इसके पहले हमने देखा था कि हमारे जो मोदी जी हैं वो जुलाई को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के शुरुआत किए थे आ, कहां पर बनारस में और बोला था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये बेहतर कल बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं ठीक है ना तो इससे पहले अगर देखा जाएगा तो इससे पहले चौंतीस साल पहले 1986 में एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया था और उसके बाद अब चौतीस सालों के बाद ये बदलाव देखने को मिला है ठीक है ना तो 29 जुलाई 2020 को जो अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जुलाई है यहाँ पर जुलाई 2020 में ये बदलाव किया गया है और दोस्तों इससे पहले जो बदलाव है 1986 में मतलब चौतीस साल बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं अगर बात करूं कि इसकी बहुत सारी अलग अलग फीचर है इस एजुकेशन पॉलिसी की जैसे एक फीचर क्या है अब खराब नहीं होगा साल जैसे कि चार साल का बैचलर विथ रिसर्च कोर्स लागू किया जा रहा है अगर आप बैचलर का कोर्स तीन साल का लेते हैं और बीच में आप पढ़ना छोड़ देते हैं या पढ़ाई छोड़ देते तो भी आपको सर्टिफिकेट कोई ना कोई मिलेगा दो साल पढ़ने पर डिप्लोमा मिलेगा है ना एक साल पढ़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा और तीन साल बैचलर डिग्री करने पर आपको क्या मिलेगी डिग्री मिलेगी तो ये कुछ इस तरीके का हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत सारे और भी बदलाव हो रहे हैं कई लोग इसके जो है वो अच्छाइयाँ बता रहे हैं कई लोग बुराइयाँ बता रहे हैं लेकिन फिलहाल अब धीरे धीरे उत्तराखंड ने लागू किया है अब ये धीरे धीरे हमारे जितने भी बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर लागू किया जाएगा फिर उसके बाद से ये हमारे अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलेगा और जहां पर यह लागू नहीं होगा वहाँ के एम को जो है वो गुवाहाटी लिया जाएगा और उनको अपनी नई पार्टी बना करके के वहां की सत्ता गिरा दी जाएगी है ना तो ऐसा आजकल बहुत जगह देखने को मिला सबसे पहले हमने देखा कि कर्नाटक में ऐसा हुआ कर्नाटक में क्या हुआ वहां के रातोरात सरकार के विधायक इधर से उधर हो गए दूसरा हमने कहाँ पर देखा दूसरा हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया पता नहीं कौन सी बात पे इगो में आ गए और वो जो है कहाँ चले गए बीजेपी में चले गए और उसके बाद से तीसरा और हमने अभी लेटेस्ट देखा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला और उनके नीचे की गद्दी जो है धीरे से सरक गई तो भैया यहाँ पर राजनीति है यहाँ पर चंद पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और पता ही नहीं चलता है कि क्या हो जाती है तो भैया ये राजनीति है और मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है इसमें काफी तेजी से आगे निकल गई है सारी पार्टियों को इस पर एकजुट होकर के सोचना चाहिए नहीं तो धीरे धीरे वो खत्म कर देंगे सारी पार्टियों को और ये किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है कि एक पार्टी सिर्फ पूरे कंट्री पर रूल करे और उसको रोकने वाला या उसके कमियों को बताने वाला कोई ना हो तो मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ किसी भी पार्टी को जो है वो डिनाई नहीं करता हूँ यहाँ पर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए जितना मजबूत अगर हमारा सत्ता पक्ष है उतना ही मजबूत विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष जो है वो आजकल बेरोजगारी महंगाई और करप्शन के ऊपर बात नहीं करता है वो बात करता है कि भैया शेर का मुँह जो है वो

बाकी का मीडिया वाले तो आपके जानते ही हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बारह जुलाई की उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति पॉलिसी की दोस्तों दो देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने प्राइमरी लेवल पर जो है नर्सरी लेवल पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका जो है इसकी शुरुआत की है बाल वाटिका का उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है ये बाल वाटिका राज्य के लगभग चार हजार चार सौ सत्तावन आंगनवाड़ियों पर काम करेंगे ठीक है तो ये पहला स्टेप है उत्तर उत्तराखंड के हमारे जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह है यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है राजधानी अगर देखेंगे तो भारण गर्मी में होती है और सर्दियों में देहरादून बन जाती है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चौदह से पंद्रह जुलाई को कृषि और बागवानी के मंत्रियों की दो दिवसीय हॉर्टिकल्चर जो सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया चेन्नई में बंगलुरु में कोलकाता में या भटिंडा में <laughs> तो यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए कि जितने लोग बोले हैं सर ये हमारा चौदह से पंद्रह जुलाई को हॉर्टिकल्चर का जो हमारा मिनिस्टर का आयोजन हुआ ये हमारे बंगलुरु में हुआ फिर से बंगलुरु के ऊपर हमको टिक करना है तो एग्रीकल्चर इंडिया ने यहाँ पर एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमारे आ, आ, बोल सकते हैं कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग की शुरुआत करेंगे

तो यूपी में सबसे ज्यादा मैंगो और पोटेटो होता है बिहार के लोग लीची बहुत खाते हैं तो 37 पूरे इंडिया का लीची मुजफ्फरपुर में होता है मतलब बिहार में होता है याद रखेगा हमारा वेस्ट बंगाल में फूल गोभी ओखरा और बैंगन की खेती बागवानी ज्यादा होती है हमारे जो विटामिन सी वाले फ्रूट है विटामिन सी जैसे कि नींबू हो गया आंवला हो गया ये हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होते हैं इसीलिए बेटा वहां के लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है है ना यहां पर क्या होता है वहां पे जितने भी खट्टे फल है तेलंगाना में होते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में हमारे बनाना का जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो उत्पादन होता है महाराष्ट्र के नासिक में अंगूर सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं अनार सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं और प्याज सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं जबकि खीरा ककड़ी में कर्नाटक नंबर एक पर है है ना टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर एक के स्थान पर आपको देखने को मिलेगा और मशरूम के उत्पादन में बिहार नंबर एक पे तो सारे यहाँ पर बागवानी के जितने भी हमारे नंबर एक के हमारे राज्य हैं वो मैंने यहाँ पर आपको चिपका दिए एक बार देख के जरूर जाइएगा ये एग्जाम में पूछ लेता है चलिए आगे तब चलते हैं तो यहाँ पर हमारे 14 से 15 जुलाई में बंगलुरु के राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों ने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया है इस सम्मेलन का प्रमुख कार्य है एक प्लेटफॉर्म ई नैम प्लेटफॉर्म का हमारे शुभारंभ होगा है ना इम प्लेटफॉर्म जहां पर हमारे एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर हमारे जो किसान है हमारे जो बोल सकते हैं कि बागवानी करने वाले किसान है उनको एक बेहतर मूल्य और एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो जाकर के क्या कर सके वो हमारे बेच सके और वहां से पैसा अर्जित कर सके ठीक है इस हमारे इस प्रोग्राम में डिजिटल कृषि प्रधानमंत्री फसल योजना ऑर्गेनिक खेती एफ पीओम है ना सम्मान निधि राष्ट्रीय खाद्य मिशन कृषि और संरचना कोष आईसीआर द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी सब इसमें डिस्कस की जाएंगी अगला क्वेश्चन आपके सामने जरा बड़ा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन देखेगा नेवी डेलीगेशन ऑफ विच कंट्री लेड बाय द वाइस एडमिरल लिबरल एनियो जेलेटो विजिट टू द वेस्टर्न नेवल कमांड इन जुलाई 2022 इनमें से कौन सी हमारे नेवी जो है वो हिंदुस्तान के वेस्टर्न पश्चिमी सेना कमांड में आई है इंडोनेशिया है ब्राजील है यूके है या मलेशिया है क्या होना चाहिए जनलेटो के हमारे बोल सकते हैं संरक्षण में आई है जनता बोले सर ब्राजील के ऊपर टिक करिए ब्राजील के ऊपर अगर आप यहाँ पर टिक कर रहे हैं तो नंबर आपको मिल जाएगा तो ब्राजील के ऊपर हमने यहाँ पर टिक कर दिया ब्राजील जितने बच्चे बोल रहे थे जवाब उनका सही था तो ये जनलेटो साहब है जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं ये जनलेटो साहब है और ये हमारे आर हरी कुमार है ये दोनों यहाँ पर आए हुए हैं ब्राजीलियन आर्मी को ये लेकर के आए हुए हैं आर हरि कुमार यहाँ पर आए हुए हैं दोनों यहाँ पर अपने सुरक्षा को लेकर के बातें करने वाले हैं है ना ग्यारह जुलाई को वाइस एडमिरल हमारे जनलेटो के नेतृत्व में ब्राजीलियन प्रतिनिधिमंडल जो है वो वेस्टर्न हमारे जो नेवल कमांड का हेड है हेड क्वार्टर है मुंबई में वहां पर आए तो प्रतिनिधिमंडल मजगांव डॉग शिप यार्ड लिमिटेड और भारतीय नौसेना के कलवरी से भी की पंडुबियों का भी दौरा करेंगे हमारी जो चार स्कॉर्पियन से श्रेणी की जो पनडुब्बिया हैं ये डीजल और इलेक्ट्रिक अटैक का रख रखाव करने के लिए बनाई गई हैं 75 आजादी के 75 साल पूरा होने में ये स्कॉर्पियन श्रेणी की जो हमारी पंडुब्बिया हैं बनाई गई हैं मचगांव डॉग के द्वारा जो कि मुंबई में ब्राजील बेटा एक हमारा यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील है साउथ अमेरिका का दोस्तों ब्राजील के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसने फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम मचा रखा है इसने सबसे ज्यादा पांच बार फुटबॉल के वर्ल्ड कप ठोक रखे हैं और कई बार ये फाइनल में पहुंच चुका है तो पांच फुटबॉल के वर्ल्ड कप ब्राजील ने जीते हैं ब्राजील का जो सबसे फेमस चीज है वह है यहाँ की कॉफी कॉफी यहाँ का जो है वो सबसे फेमस है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन यही पर होता है दोस्तों की यहाँ पर विशेष प्रकार की कॉफी का उत्पादन होता है जिसको वो पहले घोड़े को खिलाते हैं और घोड़ा उस उस कॉफ़ी के बीच को खाने के बाद जो उसकी लीड निकलती है लीड मतलब जो उसकी गंदगी निकलती है उसको वॉश करके कॉफ़ी बनाते हैं और कहते हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी होती है जो ब्राजील इस तरीके से बनाता है आई होप आप लोगों ने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता है ब्राजील की जो कैपिटल है वो ब्राजीलिया है आप सभी को पता होगा ब्राजीलिया यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वो आमेजन नदी है आमेजन यहाँ की सबसे बड़ी नदी है ये भी आपको याद रखना है ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है है ना तो ब्राजील के बारे में हमने काफी जानकारी ले ली है और इसकी नेवी जो है वो हमारे हिंदुस्तान के वेस्टर्न कमांड में आई है यहाँ पर अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है बेलसनैरो के हमारे प्रेसिडेंट साहब है और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल होना जायज सी बात है इंडियन नेवी की बात करते हैं तो हमारे समुद्री समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए समुद्र से पत, हमारे जो दुश्मन है उनको उनको धूल चटाने के लिए इंडियन नेवी जो है हमारी सदैव तत्पर रहती है इसका ये वेस्टर्न कमांड मुंबई में वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है Western Command, आपको मुंबई में देखने को मिलेगा दोस्तों है में, मतलब में देखने को मिलेगा तो ये हमारे तीन कमांड है किसके नेवी के दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया कि नेवी डे जो है वो चार दिसंबर को हमारा नाइनटीन से सेलिब्रेट किया जा रहा है आपको ये भी याद रखना है आर हरी कुमार जो है इसके प्रमुख हैं आर हरि कुमार जो है इसके प्रमुख यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमने अभी हाल में देखा कि हमने विक्रांत को लॉन्च करके हमारा एक क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है जो कि हमने हाल में ही लॉन्च किया था चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं शूटिंग के किसने साउथ कोरिया के में चल रहे वर्ल्ड कप में दूसरा स्वर्ण पदक हमको दिलाया है दूसरा स्वर्ण पदक हमको दिलाया मनु भाकर साहू तुषार है मेहाली घोष और जसपाल राड़ा है मनु भाकर जसपाल राड़ा है या मेहुली घोष एंड साहू तुषार है सारे बच्चे जवाब देंगे बहुत बढ़िया सारे बच्चे एक बार यहाँ पर जवाब देते चलेंगे तो बड़ा मजा आ रहा है है ना मुझे लग रहा था कि आज बच्चों का जोश जिस तरीके से है हम लोग पांच के आंकड़े को टच कर सकते हैं है ना तो यहाँ पर जनता बोलिए सर सही जवाब होना चाहिए मेहुली घोष एंड शाह तुषार मेहुल साहू तुषार यहाँ पर ये जो हमारे जोड़ी है इन्होंने यहाँ पर हमें जिताया हुआ है एक और वो हमारा गोल्ड मेडल बात करते मेहनू घोष और स्पोर्ट फेडरेशन कप का मीटर का मिक्स टीम मतलब को दूसरा जो है वो स्वर्ण पदक जिता दिया है ठीक है ना इन्होंने हराया किसको है तो हंगरी की जोड़ी को हरा करके ये इन्होंने जीता हुआ है ठीक है चलिए तो आगे देखते पलक और शिवा नरवाल की जोड़ी ने भी 10 मीटर की जो एयर पिस्टल का है, इसी मतलव, इसी हमारे हो जाता है तो यहां पर कुछ और न्यूज है यहां पर जल्दी से देख लेते हैं रोहित शर्मा को क्रिकेट के इतिहास में लगातार तेरह ट्वेंटी ट्वेंटी मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में किसके स्टुअर्ट ब्राड के एक ओवर में पैंतीस रन थोक करके 34 की 35 रन बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ है ना यहाँ पे सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है भारतीय महिला हॉकी टीम को राटर डैम के प्रो लीग के पहले सीजन पर तीसरे स्थान में रहने के रहने के लिए अमेरिका को हराया था मनीष नरवाल और हमारे सिंहराज तराना ने पैरा शूटिंग मिक्स डबल में जो है ये रजत पदक जीता था ये दोनों हमारे कैसा है पैरा हमारे शूटर है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस जिसको हम लोग सी एस बोलते हैं चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ये बताओ चाइना वाले अपनी एकेडमी भी बनाए घूम रहे हैं चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस इनिशिएटेड अ ग्लोबल नेम कलेक्शन ऑफ कंट्रीज न्यूएस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी वेंग किलोग्राम इनमें से एक सोलर वेदशाला का इन्होंने शुरुआत की है जिसका वजन कितना है पांच सौ चौरासी है छह सौ बयालीस है सात सौ छियानबे है या ट्रिपल एट है क्या होना चाहिए जनता बोलिए सर ट्रिपल एट होना चाहिए बता है ट्रिपल एट जितने एक सोलर ऑब्जर्वेटरी हमारी बनाई गई है।, है इसका वजन जो है एट 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 है ठीक है तो चाइना का जो तीनोंग स्पेस स्टेशन है दो हजार इस में हमारा सबसे पहले साइंस लैब को इसने लॉन्च किया जहाँ जिसकी दो में पूरा होने की उम्मीद है ये हमारे कहाँ से वेतियांग से इसको लॉन्च किया गया है जो कि पूरी साइंस लैब है है ना जिसको चाइना ने लॉन्च किया हुआ है तो चाइना का आर्टिफिशियल भी सूर्य भी भाई साहब ने बना लिया था है ना आर्टिफिशियल सूर्य भी बना रहे हैं पता नहीं क्या क्या बना देंगे पता चला हमें डर लग रहा है किसी दिन सूरज बनाए भ उसमें अगर बत्ती लगा दिए मतलब उसमें आग लगा दिए और वो जलने लगा आर्टिफिशियल सर बन गया पता चला खुद तो दहकी गए खुद तो इन्होंने जो है सूर्य बना के खुद तो उड़ी गए चाइना है भुज गए पता इंडिया को भी लपेटे में ले लिया बगली में हम लोग इंडिया वाले भी हैं तो भैया ऐसा पता नहीं उल्टा सीधा काम काय के लिए करते हैं इनका दिमाग ही उल्टा सीधा चलता है जो बंदर की खोपड़ी खाएंगे तिलचटे का जो है वो सलाद बनाएंगे हैं तो उनका होगा क्या यही सब करेंगे सूर्य बना रहे हैं दुनिया भर में वो काम ही नहीं बचा हुआ है कुछ भी काम किए पड़े हैं चाइना वाले समझाओ यार इनको तुम लोग तो यहाँ की कैपिटल बीजिंग है यहाँ का जो हमारी मुद्रा है वो रेगमिमी है सी जिंगपिंग यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस क्वेश्चन तो होंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक फिर से बताना चाहता हूं कि टेस्ट बुक के आज प्लेटफॉर्म पर आप लोग टेस्ट लगाने के लिए आते हैं बिल्कुल टेस्ट बुक पे बहुत सारे लोग जो है टेस्ट लगाने के लिए आते हैं और आज भी टेस्ट लगाते होंगे लेकिन जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है और वो टेस्ट लगाते तो भैया लगाइए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टेस्ट लगाने 10 तो लगा से ज्यादा अलग अलग संस्थाओं के वीडियो डाल रखे जैसे कि आप प्लेटफॉर्म क्लासेस नवीन सर की प्लेटफॉर्म क्लासेस आपने पटना की सुनी होगी उनके वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे राजीव सुमित्रा साहब ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज इंडिया के बेस्ट हैं उनके वीडियोस हमने यहां पर डाल रखे हैं। तो आप ना सिर्फ टेस्ट दीजिए बल्कि आप यहां पर अपने उन कमजोर पॉइंट्स के वीडियोस देख करके उनको प्रबल बनाइए अब पर पैंतालीस रुपए का अभी ये हमारा एक महीने का मतलब सब्सक्रिप्शन है अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन से बात करेंगे तो सिर्फ पैंतालीस रुपए का हो जाता है अरे यार भैया ये पिंदो पैंतालीस रुपए का ये आपका हो जाता है और अगर आप यहां पर कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं पी ए एन केस एस सी में भी और बैंकिंग में भी यूपीएससी में भी टेस्ट भी दीजिए कमजोर पॉइंट पर आप फोकस करिए और सब्सक्रिप्शन लेकर के लेकिन सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक महीने का नहीं मिलता है या तो आप तीन महीने का लीजिए या तो छह महीने का या बारह महीने का या चौबीस महीने का कूपन कोड तीनों में काम करेगा तीनों में डिस्काउंट मिलेगा आपके सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे एसएससी वाला टेस्ट सारे ओपन हो जाएंगे है ना वो भी हमारे तीन से आपके यहाँ पर तीन से ज्यादा टेस्ट एस एस वाले यहाँ सारे ओपन हो जाएंगे उनके कोर्सेज ओपन हो जाएंगे और आप लोगों को समझाने के लिए हम लाइव आते रहते हैं इसमें है ना? तो यहां पर आपको हमारे लाइव आकर बताएंगे तो भैया यहाँ पर आप ले सकते हैं तो, है। है, तो टेस्ट देना शुरू करिए साथ ही साथ अपने कमजोर पॉइंट्स के लिए वीडियो देखिए हमारे इंडिया के दिल्ली के हो गए हमारे पटना के हो गए बेस्ट फैकल्टीज के वीडियो आप देख सकते हैं और अपने कमजोर पॉइंट को बेहतरीन बना सकते हैं तो इसी उम्मीद के साथ टेस्ट बुक की मुहिम क्योंकि हर बच्चे के घर में अफोर्डेबल कीमत पर इतनी कीमत पर जितने में बाहर जाके समोसा खा के आता है यह आपको सुविधा देने के लिए हम यहाँ पर आपके साथ है तो पंकज सी कूपन कोड इस्तेमाल करिए और इनरोल करिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकिन जाने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा क्या बताना चाहूंगा सभी लोग देखिएगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो तो दूंगा लेकिन होमवर्क आज मैंने आप लोगों को अभी नहीं दिखाया हुआ है ये होमवर्क है आज का मालला पास जो है माला पास आपके कौन से स्टेट में लॉन्गेस्ट रिवर इन वेस्ट पेनुसलर हमारा जो पश्चिमी प्रायद्वीप है भारत का उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है साही लीची फेमस इन विच स्टेट साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है ये आज के हमारे क्वेश्चन है जो आप सभी को डालने हैं जो कि कल हमारे इक्कीस लोगों ने डाले थे कहने पर आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक मैं अभी आप लोगों को दे देता हूं। ये दस हज़ार होने वाले हैं सब बच्चे तो आप भी अपने दोस्तों को भी लिंक दे करके आज इसका तो सब्सक्रिप्शन है वो टेन केक कर सकते हैं और हम लोग जो है फिर इसके लिए पार्टी करेंगे दस हज़ार ने पर सब्सक्रिप्शन पर हम लोग जो है क्योंकि हमारे जो फैमिली है वो दस हज़ार लोगों की हो जाएगी ठीक है चले तो बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा पढ़ाई करते रहिए और होमवर्क एक बार फिर से लगा करके आप लोगों से अलविदा लेते हैं